मेरी मासूम माँ को पता नहीं है ना कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ने के बहाने अपने कजन से मुलाकात करने के लिए आते हो। आप मेरी इज्जत की परवाह मत करें, अपनी इज्जत की फिक्र करें। मेरे पर्सनल मामला में बोलने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको भी मेरे पर्सनल मामला में बोलने की कोई जरूरत नहीं। बाहर आओ। मैं चाहती हूँ आप मुझे इस घर में अपने इर्द गिर्द अपनी नजरों के सामने चलता फिरता देखें। सॉरी उष्णा, बहुत खुशी हो रही है मुझे आप जैसे घमंडी इंसान को मुझ जैसी नाचीज से माफी मांगता देखकर। तुम्हारा एक एक लम्हा अगर मैंने तकलीफ में ना बदल दिया ना तो मेरा नाम भी शहरोज नहीं होगा। अगर उष्णा इस घर में आ जाए तो वाकई हम जैनब से जो चाहे मनवा सकते हैं।